everyone, welcome back to the channel. I am here with another news update. हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा सोसाइटी की ओर से डिप्लोमा फार्मेसी के दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इच्छुक विद्यार्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया 12 जुलाई तक चलेगी. फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा. 16 जुलाई को मेरिट लिस्ट जारी होगी. मेरिट लिस्ट लगने के बाद 2 चरणों में दाखिले की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा. हालांकि कक्षाएं कब शुरू होंगी इसे लेकर अभी विभाग की ओर से कोई तिथि घोषणा नहीं की गई है. 12वीं कक्षा पास विद्यार्थी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं. वेबसाइट www.techadmissionhiree.government.in पर विद्यार्थी आवेदन फॉर्म व कोर्स संबंधित जानकारी ले सकते हैं. HSTES की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राजकीय एडेड संस्थानों में 100% और निजी संस्थानों में 75% सीटों पर सोसाइटी के नियमों के अनुसार ही दाखिले दिए जाएंगे. यहाँ शेष बची हुई 25% सीटों पर संस्थान अपने तरीके से दाखिले दे सकते हैं. करनाल जिले में कई निजी व एडिड संस्थान है जहाँ दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आइए हम बात करते हैं इसकी फीस के बारे में. अधिकारियों के अनुसार जिन विद्यार्थियों की ऑनलाइन फीस जमा होगी उन्हीं के दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे. उसी के आधार पर मेरिट बनाकर दाखिले देंगे. सामान्य श्रेणी के लिए 1,000 रुपए और आरक्षित के लिए 700 रुपए दाखिला फीस रखी गई है. होने वाले काउंसलिंग के 2 चरण रहेंगे. पहला चरण 18 से 21 जुलाई तक पोर्टल पर विकल्प चुनेंगे. 22 जुलाई को शाम 5 बजे सीट आवंटित होगी. 23 से 25 जुलाई तक फिजिकल उपस्थित दर्ज करनी होगी. 26 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक रिक्त सीटों का विवरण पोर्टल पर दर्ज होगा. दूसरा चरण 27 से 29 जुलाई तक पोर्टल विकल्प चुनेंगे. 30 जुलाई को शाम 5 बजे सीट आवंटित होगी. 1 से 5 अगस्त तक फिजिकल उपस्थित दर्ज करनी होगी. 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक रिक्त सीटों का विवरण पोर्टल पर दर्ज होगा. तो ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए बने रहिए ठाकुर पब्लिकेशन के साथ. मैं यशी, आपका दिन शुभ हो.